जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस की। अब तक हमने किया था वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, आज हम बात करेंगे ऐसे टाइप। पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक एंड फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। देखो, हेक्सागोनल और क्लोज क्यूबिक पे बहुत कुछ दिख सकते हैं, फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। अगर आप वीडियोज़ देखोगे तो आप देखोगे उसके अंदर किस प्रकार एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर आती है। हेक्सागोनल के अंदर डिप्रेशन में आती है, स्क्वायर या क्यूबिक के अंदर एक के नीचे एक आती है, तो उसका जो पैटर्न है वो चेंज होता है। अब पैटर्न चेंज होगा तो उसके बीच के अंदर वॉइड्स की भी जानकारी थोड़ी बहुत अलग हो जाएगी, कहीं पे टेट्रा आ रहा है, कहीं पे ट्राई आ रहा है। उसके जब आप सेकंड थर्ड कर रहे हो तो ट्राई टेट्रा के अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर बदल रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की ऊपर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो रहा है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज से, पॉइंट्स सही रहेंगे। अब आपकी कितनी उसको एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी ये 4 मार्क्स का तो चैप्टर है नहीं, 3 मार्क्स का है। ज़्यादा से 3 मार्क्स का आएगा तो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, 1 पॉइंट आप बढ़ा देना, किसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, भाषा बनाना आप, इन सेकेंड डायमेंशन पैकिंग सेकेंड लेयर प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। मतलब मेरा कहने का है, अगर आपकी ये लेयर चल रही है, देखो यहाँ पे आप, तो उसके डिप्रेशन के अंदर ये लेयर चलेगी, इसके डिप्रेशन जो इसको गोला किया है, ये आपका क्या रहेगा, डिप्रेशन, यहाँ पे वो लेयर चलेगी, ठीक है। पैटर्न रहेगा ए बी, क्योंकि एक लेयर ये चल रही है, अगर मैं दो पेन यूज़ करूँ तो आपको समझ में आ सकता है इसके अंदर। तो एक लेयर अगर ए चल रही है बेटा तो दूसरी बी चल रही है, तो ये पैटर्न क्या हो गया, ए बी पैटर्न। इसकी बात करें तो इसके अंदर जस्ट उसके बिलो चलेगी, ए टाइप ही चलेगा। कैसे, ये जो आपने बनाए एटम उसके जस्ट नीचे ही चला रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे जो एक शेप दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर टाइप जो दिख रहा है, टेट्रागोनल। और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये चीज़ आ रही थी ट्राइंगल, ये इसमें फ़र्क आ रहा था। जो सेकेंड पॉइंट है ट्राइंगुलर वॉइड्स, इसका हो गया टेट्रागोनल वॉइड्स, जो मैं शेड करके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम बात करें उसके अंदर, तो 3D पैकिंग की थर्ड लेयर को इस तरह से रखनी है कि उसके ट्राइंगुलर वॉइड्स कवर हो जाएं। देखिए अंदर ये शेड किया हुआ ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं एक और लेयर बनाता हूँ, चलती रहेगी, तो इसको आप भूल जाइए एक बार के लिए, सिर्फ इसको याद रखिए, 1, 2, 3 और ये वाला 4। तो ये 4 आ गए, एक वॉइड को छुपाने के लिए अगर 4 एटम आ गए तो उस एक वॉइड, एक जो छोटी सी जगह खाली है उसको 4 एटम से घेर रखा है, इसलिए वो हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन यहाँ पर वो जो वॉइड्स है वो हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6, उसका 12। अब ये 6, 12 क्यों है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा, बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि इसका पहले 6 क्यों है। देखिए आप, इसका 6 क्यों है, ये एटम जो है उसके ऊपर नीचे तीन तीन से जुड़ा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके लिए बोल रहा हूं। और इस चक्कर के अंदर क्या है दोस्तों, ये तो जुड़ा हुआ ही है, ये पैकिंग तो इसमें दिख ही रही है, एक इसके अंदर पैकिंग इस तरह की भी दिखती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पर्टिकुलर चीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये तो दिख रहा है, ये वाला मैंने ऊपर बनाया, ये इसके ऊपर ये मतलब आलू, ये आलू की टिक्की आपकी, ये ऊपर दो ब्रेड के सैंडविच है, तो आलू की टिक्किया और दो ब्रेड के सैंडविच हो गए तो वो एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो गए, तो ये भी इससे कनेक्टेड हैं, इसलिए 3, 3, 6 और 6, 12, 6 + 6 तो इसका कॉर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12। आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करता है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करता है। ये शॉर्ट्स में है, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग मार्किंग, 2 नंबर 1 नंबर का है तो बहुत अच्छा, इसे ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 नंबर का है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। नाउ फेस्ट सेंटर क्यूबिक बॉडी सेंटर, देखिए जेड टोटल नंबर ऑफ एटम, इसमें 4, इसमें 2, आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी 74, 68 और टोटल 80, कितने पॉइंट्स हैं इसमें, 14 हैं, 9 क्यों 14, काले रंग वाले कॉर्नर्स, ब्लू रंग वाले फेस, ये आपके कॉर्नर्स पे हैं बेटा जी, ये उसके फेस पे, टोटल कितने हो गए,
14, ये उसके कॉर्नर्स पे है और ये उसकी बॉडी के अंदर है, बीचों बीच सेंटर में, इसलिए टोटल कितने हो गए 9। तो ये आपके डिस्टिंग्विश के हो गए, छोटे आंसर है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, इसका कितना पोर्शन एटम का लोकेटेड है कॉर्नर और बीसीसी पे, इसका भी आप वीडियो देखिएगा मेरा दिया हुआ है। इसके अंदर ये कॉर्नर वाला 1/8 है। क्यों 1/8 है? क्योंकि एक कॉर्नर जो है अपने आसपास के 8 एडजेसेंट कॉर्नर से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसका शेयरिंग 1/8 है। बीसीसी वही चीज़ है, बीसीसी सेंटर के अंदर है इसलिए 1 है, और कॉर्नर वाला जो है इधर उधर। आप कॉर्नर की हम बात करें, अगर एक मिनट थोड़ा सा बना ही देते हैं ना डायग्राम, दिक्कत कहाँ है, चीज़ चली रही है तो उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। देखिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको कोशिश करना समझने की, एक्चुअली क्या है ये 3D चीज़ें हैं, थोड़ी विजुलाइज करनी पड़ती है दिमाग के अंदर, उस हिसाब से उसको मानना पड़ता है कि है क्या चीज़। थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है डायग्राम सिर्फ समझाने के हिसाब से, एक लेयर में यहाँ लगाऊंगा, एक में यहाँ लगाऊंगा, थोड़ा तिरछा हो गया मान लेना दोस्तों। अब ये जो सेंटर आ रहा है इसका कहाँ गया भाई, ये वाला, अगर ये आपका एटम सेंटर है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मुझे पता है थोड़ा टीटा मीटा आपको लगेगा ये अजीब सा। अब ये आपका 1 क्यूबिक 2, 3, 4, तो दोस्तों नीचे भी तो हैं 5, 6, 7, 8, तो ये 8 क्यूब से एक बेचारा एटम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यस, किसी का भी कॉर्नर 8 से जुड़ सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आप मेरा वीडियो देख लेना इससे जुड़ा हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड कैन बी अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, किस प्रकार का डिफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, और कौन सी फिजिकल। देखो अगर हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके आयंस, इसके इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड टूटेंगे, हो सकता है जगह छोड़ दें, जगह छोड़ते ही खाली हो जाएगी जगह और वो कहलाएगी वैकेंसी। अब अगर किसी की वैकेंसी बनती है, कोई चीज़ खाली होती है, अगर मैं इसमें से इस ऊपर के हिस्से को हटा दूं तो इसके मास में फ़र्क आ जाएगा, मास में फ़र्क आ जाएगा, उसके डेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा। तो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड सम ऑफ द एटम्स लीव द साइट एंड क्रिएट वैकेंसी एंड इन टर्न दे डिक्रीज द डेंसिटी। क्वेश्चन पूछा था फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, डेंसिटी। अफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये दो उसके आंसर हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेट, फेरी। इसका भी बड़ा वीडियो दे रखा है मैंने, उसके अंदर डोमेन्स के बारे में बात की हुई है। जिनके पास अच्छे डोमेन्स होते हैं वो अच्छे मैग्नेट्स होते हैं। अब बात है जैसे डोमेन्स क्या हैं, सीबीसी सी बात है, अगर हम एक बात करते हैं स्कूल की असेंबली की, सारी लाइन्स जितनी भी होती है फर्स्ट से लेकर 12th तक सब एक ही जगह ओरिएंटेड होती है, वो डोमेन है। और जब रेसेस का टाइम होता है, छुट्टी हो जाती है स्कूल से, जब सब घर जाते हैं तो डोमेन भी नहीं होते, बिखर जाते हैं। तो जो बिखरा हुआ मटेरियल होता है वो सब वो इलेक्ट्रॉन से जो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ओरिएंटेड मटेरियल का बात करें डोमेन्स की तो वो रीजन है जिसके अंदर सब फिक्स्ड है, उसी के ऊपर हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा मैग्नेट परमानेंट है, कौन कैसा है। देखिए इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बेटर माना गया है क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर दीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव वेल डिजाइन स्मॉल ग्रुप्स फिक्स पैटर्न और रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजन, रीजन को हम बोलते हैं डोमेन्स। ईच डोमेन एक्ट एज टाइनी बार मैग्नेट, व्हेन सच सब्सटेंस प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सारे सारे डोमेन्स, जैसे ये आपका डोमेन दिख रहा है तो मान लीजिए इधर आपने एक मैग्नेट लगा रखा है नॉर्थ, इधर एक लगा रखा है आपने साउथ, तो उसके सबके डोमेन्स इस तरह से चल रहे हैं, डोमेन सबके एक जैसे चल रहे हैं, इसलिए आपके बीच में जो आपने सब्सटेंस रखा है उसके भी डोमेन्स एक जैसे चलेंगे। अब आपने इन मैग्नेट को हटा भी दिया, उसके बाद भी डोमेन पड़ा है, डोमेन चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट है। अगर टेम्प्रेरी होता तो जैसे ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाओगे उसके डोमेन्स हट जाएंगे। तो वो चीज़ मिलती है देखने को कॉपर, निकल, आयरन, एल्युमिनियम, इनके अंदर इनके लिए एक वर्ड दिया जाता है एल निको। एल निको का मतलब है ऐसा मटेरियल जिसमें एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन के साथ या कॉपर के साथ हमने अलॉय बना रखा है, वो बोलाता है बहुत परमानेंट अच्छा मैग्नेट, उसी के परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये एक सिंपल सी चीज़ है, वो पूछ रहा है आप एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, तो हमने इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे लंबा कर दिया। सीधी सी बात है, हम छोटे में लिख सकते हैं, अगर हम डेंसिटी जानते हैं
डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले मास पता होना चाहिए, मास क्या है, जेड इंटू एम। एम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एटम का मास। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं। क्यों क्यों बेटा, अगर मैं एस एस सी की बात करूँ, बी सी सी की बात करूँ, एफ सी सी की बात करूँ, तो इसके अंदर जेड वन, इसमें टू, इसमें फोर, और अगर मैं हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में चला जाऊँ तो उसमें कहीं कहीं में छः भी आ जाता है, तो वो पता होना चाहिए। तो वो हो गया आपका मास, वॉल्यूम पता आपको, ए क्यूब। ए क्यूब के साथ साथ में क्या लगाया अपन, एवोगाड्रो। जी नहीं, एवोगाड्रो इसके साथ ही लगाया, एवोगाड्रो इसके साथ लगा है, मास के साथ। मास जो है ये है एम इंटू एन ए, तो यहाँ पे जेड के साथ ही हो जाएगा एम इंटू एन ए। तो ये पूरा का पूरा जो है इतना वैल्यू, यहाँ तक जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये है आपकी मास, और नीचे वाली जो वैल्यू है ये आपकी है वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास है वो आपका एम है, यहाँ पे वॉल्यूम है जो ए क्यूब है। मास की वैल्यू आपकी ये वाली है जेड एम अपन एन ए, वो लगा दिया, इसलिए फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का। मास को बाहर निकालोगे तो डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए जेड। दिस इज द सिंपल सा थिंग, हाउ वी कैन गेट एटॉमिक मास ऑफ एनी अननोन मेटल इफ यू नो दीज थिंग्स, डेंसिटी, एज एंड जेड, ये आपको पता होता है। नाउ वी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन सिक्स, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज हेक्सागोनल एंड क्यूबिक, ये हमने कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इन प्रीवियस वीडियो, इससे लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इस बुक के अंदर, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल एंड टेट्राहेड्रल वर्ल्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। बेटा यूनिट सेल और लेटिस थोड़ा सा डाउट रहता है, मेरे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, वापस बता देता हूँ। कोई भी तीन पॉइंट कर दिए, ये लेटिस पॉइंट है और इससे कोई स्ट्रक्चर बन गया, वो उसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। और ऐसी अगर ज्योमेट्री फिक्स पैटर्न में रिपीट 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 होती जाए, मान लीजिए, और वो रिपीट होती जा रही है, तो वो एक स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस, यानी कि एक बड़ी चीज़ बन जाती है। और इसमें सिंगल जो ट्रायंगल है वो यूनिट सेल रहेगा। नीचे मैंने इसको देख रखा है, देखिए यहाँ पर ये वाला आपका यूनिट सेल है और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस है। इसके अंदर आठ यूनिट सेल हैं। क्या लिखा अपन ने इसकी डेफिनेशन, इट इज़ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल और एटम ऑफ क्रिस्टल इन द स्पेस, सो कॉल्ड एज स्पेस लेटिस। नेक्स्ट देखिए आप यूनिट सेल, इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट एंड इट इज प्रोड्यूस क्रिस्टल लेटिस। ये बार बार रिपीट होती रहेगी इस तरह से। ये छोटा सा जो ब्लैक पोर्शन कर रखा है मैंने, वो यूनिट सेल है और ये आगे तक चलता रहेगा। और कोई इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा क्वेश्चन है ये। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का डिफरेंस पहले समझ देते हैं। जब हम पैकिंग करते हैं तो अंदर के जो ये बन रहा है वो आपका कैसा है, ट्राइंगुलर, उसके ऊपर एक ब्लू रंग का और स्फीयर लगा दिया तो अब वो बन गया टेट्राहेड्रल वर्ल्ड। क्यों, कि वो छोटा सा जो एक छेद है, छोटा सा जो वैकेंट स्पेस है, इज सराउंडेड बाय फोर स्फीयर। और ऐसी कैसी चीज यहां पर हम कर रहे हैं, तो यहां देखिए मैंने छह तो किए ये सिक्स है, लेकिन ये इसके ऊपर इस तरह से बंद रहेगा और उसके पीछे भी वो एक बैक साइड में जो ब्लू कलर है वहां पे भी एक बंद रहेगा, तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड बन के बन जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या डेफिनेशन, सॉरी डिफरेंस क्या, देखिए सराउंडेड बाई फोर स्क्वेयर, सराउंडेड बाई सिक्स, स्मॉलेस्ट इन साइज छोटा है, इट इज लार्जेस्ट। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में पाया जाएगा, ये आपको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में पाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये आपको एज पे मिलेगा और ये आपको सेंटर में मिलेगा। ये आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने बताया, जैसे कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, तो हम मान लेते हैं इस तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि इधर भी जा रहा है आपका ये लेटेस्ट पॉइंट और इधर भी जा रहा है, तो ये एज के ऊपर ही इन आपका सॉरी मेरे इस वीडियो में उसको दिया हुआ है मैंने कि इनको किस प्रकार अपन लोकेट करते हैं उसको लेके। देखिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दैट थिंग एक यहाँ पे है, फेस सेंटर की बात कर रहे हैं हम, एक यहाँ पे है, तो ये जो चीज़ है ये कॉर्नर्स, अब इनको मैं मिलाऊंगा, एक सेकेंड आई चेंज द पेन, ये चीज, ये जो अपन बना रहे हैं बेटा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ल्ड है जो आपको कहाँ मिला है, एज पर, इस एज के ऊपर, इस तरह से कहते हैं एज। वो हम कह रहे हैं सेंटर में, वो देख लीजिए सेंटर में क्यों कह रहे हैं,
उसकी वजह होना चाहिए फेस सेंटर। फेस सेंटर होने में आप इसको मतलब देखिए, ये आपका फेस सेंटर है। अब ये यहाँ पर एक इसका फेस, एक इसका फेस, एक इसका फेस, एक इसका, और ये इसका, ये इसका, इन्हीं को मिलाऊंगा मैं। ये क्वाड्रेंट बनाया, ये यहाँ मिलाया, यहाँ यहाँ मिलाया, ये आपको बीच में मिल गया, इससे बोल दिया सेंटर में। दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलते हैं, पर स्पेयर एक स्पेयर की हम बात करते हैं, दो मिलते हैं और ये वन होता है। इसलिए हमेशा एक जो इनके बीच में कॉम्बिनेशन फॉर्मूला रहता है वो 2n = 2n रहता है, वो वन है तो टू है। तो सिंपल सा डिफरेंस है, ये बहुत सॉलिड पॉइंट्स हैं जिससे आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के बीच के डिफरेंस के साथ साथ उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। डायग्राम भी पता होना चाहिए और ये डायग्राम बनाना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सीधा परसेंटेज पूछते हैं, इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है। तीन होते हैं हमारे पास, सिंपल क्यूबिक, फिर BCC, फिर FCC। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक आपने देखा है, हम लोग इस तरह से बनाते हैं इसको सिंपल फॉर्म में, जिसका मैंने सिर्फ फ्रंट फेस लिया है। ये आपका सिंपल क्यूबिक के फॉर्म में आता है ये। तो इसके जो एजेस हैं, ये वाले, ये फर्स्ट फेज एक मुखड़ा हमने लिया है, ये इसकी लेंथ, ये इसकी रेडियस। तो ए बराबर क्या हो गया, 2R। जेड इसका 1 है क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसका हम कर चुके हैं, इसका देख चुके हैं आप इसका वीडियो। नाउ बेटा हमें दो चीज़ें चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, वॉल्यूम स्पेयर अपॉन वॉल्यूम यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमें चाहिए वॉल्यूम स्पेयर, ये सब में इक्वल रहेगा, लेकिन यूनिट सेल SCC का, BCC का, सबका चेंज होगा। इसी चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये एज क्या है इसकी, 2R, तो ये इसका क्यूब हो गया 8R³। बाकी सब कुछ इसमें रख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने पर आपको ये आंसर आ गया। डायरेक्ट आप आंसर याद करके लिख दीजिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई छह नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू नंबर 2। नाउ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, उसका जेड 2 होता है, हमें पता है, कॉर्नर का 1, सेंटर का 1 + 1 + 1 = 2। अब ये हमने सेंटर का लिया है सेल और दो कॉर्नर के लिए, तो यहाँ पर हमें एक डायगोनल ये लेना पड़ेगा, एक बेस ये लेना पड़ेगा। इसलिए ये ए ए ए है, ये तो एजेस, लेकिन बीच वाली सी है और ये वाली बी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट ए एफ डी दिस ट्राइंगल, ये वाला। इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको और ईजी हो जाएगा कि हाँ ये हमने ट्राइंगल्स थोड़े से अलग कर लिए इसमें से, आप देख सकते हैं। तो ये बाकी ब्लैक पोर्शन है, एक ट्रायंगल ये है EFD, एक आपका AFD। एक्चुअली वी वांट AFD बट वी डोंट हैव FD, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी सेलेक्ट B फ्रॉम दिस EFD। तो ट्रायंगल EFD, FD स्क्वायर इक्वल टू EF अपॉन ED, दिस इज B, दिस इज A, सो B स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर 2A² और वी कैन राइट √2A। नाउ इन ट्रायंगल AFD वी हैव C, वी हैव A एंड वी हैव B, ओके। तो C² + A² + B² वी वैल्यू 2A² वी पुट हियर वैल्यू, सो C² = वॉट, वन लाइन आई वॉन्ट टू राइट हियर, सो C² = √3A² एंड C विल बी √3A। नाउ वी नो फ्रॉम दिस AF वी कैन राइट हियर AF इज इक्वल टू 4R, हियर ऑल्सो यहाँ भी लिख रखा है मैंने, और C इज इक्वल टू 4R, सो C इज 4R, √3A, A बिकम 4R अपॉन √3, जो हमें चाहिए था इसके लिए। स्पेयर का वॉल्यूम सेम है बेटा, यूनिट सेल का ये आ गया, इनटू कर दिया। नाउ वी पुट द फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन, एंड वी आर गॉटिंग द आंसर 68%, यानी कि सिंपल क्यूबिक से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट 3rd, वो ले लेते हैं अपन। FCC देखिए, नेक्स्ट FCC, Z4 है हमारा, फेस सेंटर्ड है, क्यों है, कॉर्नर पर एक, फेस पर 3, AC इसका 4R है। इन ट्राइंगल ABC, इसमें देखें तो AC आपकी हाइपोटेनस है, AB और BC बेस एंड परपेंडिकुलर, सिंपल थ्योरम, AC² = 2A², AC की वैल्यू क्या है 4R, हमने पुट कर दिया यहाँ पे, 4R² = 2A², 4R हो गया, 16R² = 2A², एंड ऑन कैलकुलेटिंग A विल बी 2√2R, इसको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स में छोटे काम आएगी। वॉल्यूम स्पेयर, वॉल्यूम यूनिट सेल वही है, यहाँ इसको रख दिया, ये इसका आ गया क्यूब। नाउ
पैकिंग एफिशिएंसी सेम फॉर्मूला जेड फोर हो गया, बाकी वही वैल्यू रखी, कैलकुलेट करने में निकला 74। इसका मतलब एफसीसी के अंदर सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू एससीसी एंड बीसीसी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें जो छोटे छोटे ए और आर की जो फॉर्मूले आते हैं आपको याद रखने हैं, साथ में इनके परसेंटेज जो भी अपने निकाले थे एससीसी के, बीसीसी के, एफसीसी के। एक तो इनको पैकिंग एफिशिएंसी याद होना चाहिए, दूसरी चीज़ ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर का क्या रहेगा, ये आपको टिप पे रहना चाहिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एट्थ क्वेश्चन। एट बहुत बार पूछा है बोर्ड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ताला लगाओ इस पे तो दो तीन। देखिए क्या पूछ रहा है कि ऑक्टेटल वॉइड्स और एटम का जो आपका स्पेयर है सेल है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। मीन्स ये स्मॉल आर और ये आर, ये तो आपके एटम्स हैं, इसके बीच में वॉइड है, ये उस वॉइड को हमने एक सर्किल मान लिया, वॉइड एक खाली जगह होती है, तो वो वॉइड को एक सर्किल मान लिया, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है उससे हमें पता पड़ सके कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो हमने इसको ट्राइंगल को ले लिया पी ओ क्यू, यहाँ बनाया हुआ है, ये डिस्टेंस है आर प्लस आर, ये वाली हो गई आर प्लस आर, ये होगी आर प्लस आर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इसके अंदर अपन, पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस क्यू ओ क्यू स्क्वायर, ये होगी बेटा आर प्लस आर, टू आर इसका स्क्वायर, आर प्लस आर, आर प्लस आर, सिंपल मैथमेटिक है, देखते जाइए, टू आर स्क्वायर ये दो हैं, टू आर प्लस आर होल स्क्वायर खोल दिया, फोर आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर वही रखा, टू से टू कट गया, ये टू आर स्क्वायर, आर प्लस आर, ये स्क्वायर हटा दिया दोनों का, रूट टू आर प्लस आर प्लस आर। अब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल मतलब इधर से उधर कर लिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो रूट टू आर माइनस आर प्लस की वैल्यू इधर आ गई आर, या फिर आर इजिकल टू रूट टू आर माइनस आर। रूट टू की वैल्यू हमें पता होना चाहिए 1.414, ये हमें पता होना चाहिए कि रूट टू जो है वो 1.414 है, उसको यूज़ करेंगे हम, यहाँ लगाएंगे एंड द वैल्यू विल कम 0.414 आर। तो ये रिलेशन बन जाएगा, इसको आप आर के साथ भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो अलग आएगा। नॉर्मली 12th तक यही पूछा जाता है, ये एक डेरिवेशन कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन 9th, सेमी कंडक्टर्स क्या है, उसके दो टाइप्स हम जानते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या हैं और उनके दो मेन टाइप, उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्पीड में डिस्कस किया अपन ने। सेमीकंडक्टर्स आर सच सब्सटेंस हैविंग इंटरमीडिएट रेंज ऑफ दिस कंडक्टिविटी -6 to 4, एंड ये दो तरह के हमारे पास एनपी टाइप। पहले डायग्रामेटिक जाएंगे हम दोनों के, फिर लैंग्वेज पे जाएंगे। देखिए पहला एन टाइप, एन टाइप देख रहे हैं नॉर्मल क्रिस्टल है, सिलिकन ग्रुप 14 का है और इसके अंदर एक ग्रुप 15 का फॉस्फोरस डाला हुआ किया, यहाँ चार चार इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड था, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बैड कंडक्टर, बट ड्यू टू इंट्रोड्यूशन ऑफ फिफ्थ ग्रुप 15th फॉस्फोरस देर इज ए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, कब करेगा, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाओगे, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई करोगे तो पड़ा पड़ा नहीं करेगा, ये एक चीज वायर मेरे पास सर गुड कंडक्टर बैड, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको टच नहीं कराओगे, जोड़ोगे नहीं, ये नहीं बताएगा ये बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो इसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो, अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है तो चार्ज इसकी अपोजिट फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। लैंग्वेज देख लेते हैं इसकी, सच सेमी कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन रिच, एन टाइप मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, ड्यू टू दिस देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट डोप्ड विद ग्रुप 15। क्यों, ग्रुप 14 के अंदर सिलिका है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ईच एंड एवरी सिलिकन बॉन्डेड विद फोर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन सिलिका इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, फोर इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस आउट ऑफ 5 आर यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री, मतलब चार तो बॉन्ड में आ गए, पांचवा फ्री हो गया, एंड दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकन ओनली व्हेन, ये कंडीशन है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ये ध्यान रखो, उसके बिना कुछ नहीं होगा, ये जरूरी है, ठीक। जबकि पी टाइप उसमें क्या हो रहा है, ग्रुप 14 के साथ ग्रुप 13 हो रहा है, इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन एक जगह खाली रह गई, ये कहलाता है होल, इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो होलियाँ आ जाएगा, अगला शिफ्ट होगा तो होलियाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो होल है वो इधर मूव कर रहा है और आपका जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, थोड़ा यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट चल रहा है ना, अगर मैं इसको यू बना दूँ कि इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहा है तो चार्ज यू मूव करता, तो वही चीज़ हो गई, ये होल है, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज, वो भी कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। लैंग्वेज देख लेते हैं, सच सेमीकंडक्टर दोज हैविंग इलेक्ट्रॉन होल ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन
ग्रुप 14 डोप विद ग्रुप 13, ये ध्यान रखना है। तो पी टाइप होगा, मतलब 14 से 13 नीचे आ रहे हो, बड़े ग्रुप से छोटे पे आ रहे हो, 4 वैलेंस से 3 वैलेंस पे आ रहे हो। सिलिकन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। जब आप एल्यूमिनियम से डोप करोगे तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे, लेकिन चौथा जो है फोर्थ पोजिशन, वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को होल को फिल करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे, होल इधर मूव करता जाएगा, इस तरह से एक कंडक्शन बन जाएगा। लेकिन कब, वेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, तो ये चीज़ होगी। ये दो तरह के हो गए, जिसके इलेक्ट्रॉन होल होता है दैट इज पी टाइप, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज एन टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये 3 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। नाउ क्वेश्चन 10 देख, ये दे रखा है एक पर्टिकुलर टाइप का पी टाइप का एक डिफेक्ट्स के लेके, क्या दिया है, इम्प्योर डिफेक्ट आ रहा है, मतलब मिक्स कर दिया, इम्प्योर डिफेक्ट भी है पी टाइप भी है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है जो बनाते हैं हम लैब में, और उस वक्त उसका रेशियो जो है वो 2:1 आता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो उसकी वजह क्या है, क्यों उसके अंदर चेंज आता है। एक्चुअली अगर हम क्यूप्रस और क्यूप्रिक की बात करें तो कुछ परसेंट क्यूप्रिक होगा और कुछ परसेंट क्यूप्रस होगा, जैसे हमने एक निकल की बात की थी पहले वाले वीडियो के अंदर, निकल प्लस 2 और प्लस 3। तो क्या हुआ, द रेशियो ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन इज 2:1 इन दिस, इट मीन्स Cu+ ion इज स्लाइटली लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ O2, क्योंकि ये दे रहा है 2:1, तो इसका मतलब ये 2 times है, ये 1 time है, इसका मतलब इसकी संख्या ज़्यादा है, इसकी कम है। इसकी कम होने की वजह वो ये कह रहे हैं कि कुछ Cu+ ion आर रिप्लेस बाई Cu+2 ions, और उसके रिप्लेस होने की वजह से क्या होगा, 1+2 ion का हो गया, तो एक तो यहाँ पर आ गया Cu+ की जगह पर, एक जगह खाली हो गई, क्योंकि पहले क्या था, थोड़ा यहाँ देखें, पहले यहाँ पर 2 थे Cu+, लेकिन एक हाई वैलेंसी वाला आ गया था हाई वैलेंसी, तो ये वाला भी यहाँ से क्या हो गया, 2 जगह से खाली हो गया, तो ये होल क्रिएट कर दिया। अब होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, और कब करेंगे, जब अपन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, और अपने आप ही एक तरह का है, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेटा, एंड एक्ट कर रहा है पी टाइप, है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक्ट कर रहा है पी टाइप, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है, आया हुआ है। नेक्स्ट फेरिक ऑक्साइड के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो भी इसी को लेकर है। वो कह रहा है कि हेक्साक्लोरीन पैकिंग है, उसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है, 2 out of 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स यानी कि वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। फेरिक ऑक्साइड का हम फॉर्मूला जानते हैं, Fe2O3 है, तो इसके अंदर वॉइड ये 2 हैं और वो आपका एटम है। कैसे दे पता पड़ा फिर अपन को, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड इज 2x एंड द नंबर ऑफ वॉइड इज x, ये हमें मान के चलना है, वो 2x है तो वाइड क्या हमारा एक्स वन ही रहेगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एक एटम के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 2 out of 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय फेरिक, मतलब 2/3, तो नंबर ऑफ Fe हो गया 2/3 और नंबर ऑफ जो आपका ऑक्सीजन है वो हो जाएगा एक्स, जो यहाँ लिखा है, ये आपका Fe चल रहा है, ये आपको एक्स चल रहा है, तो रेशियो क्या होगा इन दोनों में, 2/3 x और x, दिस इज Fe, दिस इज O, x कट गए, 2/3 ratio 1, इसको आप क्रॉस करोगे तो 2:2 क्या आ जाएगा, 3, तो यानी कि फेरिक जो है वो 2 है, ऑक्सीजन क्या है 3 है, डायरेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और भी दूसरे फॉर्मूले से आ सकता है, कई बार PQ, कभी AV, कुछ भी आ सकता है, बस क्वेश्चन के अंदर इस लाइन पे ध्यान देना है कि उसका क्या रिलेशन दिया हुआ है। नाउ जंप टू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, स्कॉटकी, फ्रैंकल, इंडस्ट्रियल एंड एफ सेंटर। हमने इन्हें बेटा पहले अपने वीडियो में देख रखा है शॉर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कई बार 4 नंबर का आता है, तो हर एक पॉइंट को एक नंबर के हिसाब से इसमें हमें मेंशन करना है। हम जानते हैं ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, हम ये भी जानते हैं इसके अंदर एक कैटाइन और एक एनाइन, यहाँ से Na और यहाँ से Cl डिपार्ट करेगा, ताकि इसकी स्टोइचियोमेट्री बैलेंस रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहे। खास चीज़ क्या हो गई, कैटाइन एनाइन दो चीज़ें जा रही है, मास डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी, ये इसकी खास पॉइंट है। अगर कोई पूछे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, तो डेंसिटी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो कैटाइन एनाइन है उसकी साइज में बहुत ज़्यादा लेस डिफरेंस है, उसको आपको ध्यान रखना है। कॉर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहेगा, 8 हाई, हम पहले भी कर चुके हैं। 8 का मतलब है कि एक Na 8 Cl से, एक Cl 8 Na से जुड़ा हुआ है, दैट इज योर कॉर्डिनेशन नंबर। ये आपका CCP में आएगा, जिसके अंदर नीचे 6 होते हैं, अगर आपने पुराना वीडियो ऑफिस देख लीजिएगा मेरा, ऊपर यहाँ एक ट्राइंगल रहेगा, उसके बाद यहाँ एक ट्राइंगल रहेगा, तो ये जो पॉइंट है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये एक 8 कॉर्डिनेशन शो करेगा H2H। नाउ सेकेंड की बात करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट की, इसे वैसे कहा जाता है डिसलोकेशन। क्यों,
इसी क्रिस्टल की सबसे छोटी जो चीज़ वो कौन सी होगी कैटाइन, वो यहाँ से डिसलोकेट होकर किसी जगह पर जगह बनाएगी जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल साइट। तो जिंक यहाँ से अपने आप को वैकेंसी शो कर रहा है और इस जगह पे अपने आप को इंडस्ट्रियल कर रहा है, दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, वैकेंसी भी और इंडस्ट्रियल, इसलिए इसका नाम रखा है डिसलोकेशन। हमेशा हमेशा छोटी चीज़ होगी जिसकी साइज छोटी होगी वही डिसलोकेट होगा। अब इसका मतलब डिसलोकेशन छोटे का होगा तो फ्रैंकल के अंदर एक खास बात हो जाएगी, कैटाइन एनायन के बीच में लार्ज डिफरेंस, कैटाइन छोटा होना चाहिए एनायन बड़ा होना चाहिए, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। कॉन्डिशन नंबर इसका बहुत कम होता है 4, एग्जाम्पल इसके जेड एन एस, इसके थे NaCl और KCl। नाउ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट बहुत लाइन में डालना है, कहीं से भी या तो इसी का या किसी का भी कहीं से भी आकर बीच की जगह पे अपनी साइड बना ले। इंडस्ट्रियल सिंपल डेफिनेशन है, डिफेक्ट फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड। सर यहाँ तो मिला था, ये दोनों मिलता है आयनिक और नॉन आयनिक, केवल इंडस्ट्रियल का मिलेगा नॉन आयनिक, उसमें एटम मॉलिक्यूल आयन कोई भी एक इंडस्ट्रियल साइट ऑक्यूपाई करता है जिससे उसकी डेंसिटी में फ़र्क आता है, अगर कोई चीज़ ऐड हुई है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये काफ़ी टाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफ सेंटर ये ग्रीक वर्ड है, फार्बाजेंटर उससे बना हुआ है। होता क्या है, किसी भी तरह के क्रिस्टल को आप ले लो NaCl, आप ले लो लिथियम क्लोराइड, आप ले लो KCl, इनको अगर अपन इनके वेपर में, लिथियम को लिथियम के वेपर में, पोटेशियम को पोटेशियम के वेपर में, और सोडियम NaCl को सोडियम के वेपर में अगर गर्म करें तो बाहर की सरफेस का जो क्रिस्टल है वो बाहर वाले सोडियम से रिएक्ट करेगा और एक जगह खाली करेगा, और जो जगह हमेशा खाली होगी वो एनायनिक साइड होगी बेटा, ये याद रखना। तो इसमें हमेशा जो साइड होगी वो हमेशा एनायनिक साइड होगी, और उस जगह से वो चीज़, ये लिखा हुआ यहाँ पे, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, जो जगह खाली होगी वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है क्योंकि आप उसको गर्म कर रहे हो। हमने इलेवन में पढ़ा था बाल्मर सीरीज के बारे में, वही यहाँ हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऊपर ले जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और बाद में वापस लौट के बुद्धू घर को आ गए, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ गया ग्राउंड स्टेट, इस चक्कर के अंदर वो अपने में से एनर्जी को विड्रॉ करेगा, छोड़ेगा, उस एमिशन को हमारी आंखें पकड़ती है, दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज वाला, इसलिए कलर दिखते हैं, NaCl में येलो दिखता है, लिथियम में पिंक, KCl वायलेट, हर एक के पीछे अगर कोई चीज़ गर्म करने में कलर की वजह होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर चेंज होना, और वहाँ पे जो चेंज हो रहा उसका कारण है वो एक्साइटेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। इसका वीडियो में अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर बिल्कुल सेंटर में एक जगह खाली कर दी तो वो कहलाएगा एफ सेंटर, इसी को मान लीजिए NaCl, NaCl, तो एक केवल एक ब्लॉक खाली कर दिया, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है, इसको देख लीजिए आप, और ये चारों आंसर छोटे छोटे ही हैं, एक एक मार्क्स के हैं, इसलिए उतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फॉलोइंग टर्म्स फेरामैग्नेटिज्म, पैरा फेरी एक कंपाउंड, पैराइलेक्ट्रिक एक न्यू टॉपिक। नाउ सबसे पहले उठा फेरामैग्नेटिज्म, एक्चुअली में फेरामैग्नेटिज्म आर परमानेंट मैग्नेट, क्या है उसमें, सच सब्सटेंस दोज आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर इजीली मैग्नेटाइज एंड देयर मैग्नेट रिमेन परमानेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी को मैग्नेटिक फील्ड दिया है और किसी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिज्म कर रहे हैं, आमतौर पर क्या होता है, हम लोग टेम्प्रेरी मैग्नेट पढ़ते हैं, आयरन नेल्स देते हैं, कॉपर वायर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उनमें मैग्नेटिज्म आता है, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो मैग्नेटिज्म चला जाता है, वो टेम्प्रेरी है। अब हर एक चीज़ में मैग्नेटिज्म है, हमने इस वीडियो में इसमें बता रखा है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज टाइनी बार मैग्नेट, क्योंकि बस दो तरह के बेटा ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है उसका ऑर्बिटल मूवमेंट जो वो अपने एक्सिस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ चलाता है, दूसरा उसका होता है खुद का स्पिन ओरिएंटेशन। दो ओरिएंट, जैसे हमारी अर्थ है वो खुद भी घूम रही है और चक्र भी लगा रही है, वैसे इलेक्ट्रॉन खुद भी घूमता है और चक्र भी लगाता है, उस वजह से उसके अंदर एक डोमेन, एक तरह का एक पावर डेवलप होती है जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, और सभी की सभी इलेक्ट्रॉन एक जगह अलाइन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बना के दिखाया गया है, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, वही चीज़ लिखी है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डोमेन। तो देर आर मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डोमेन इन सेम अलाइनमेंट, जो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था असेंबली के अंदर, सारी की सारी जो आपकी लाइन्स होती है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, सब की सब एक ही अलाइनमेंट में होती है, तो एक परफेक्ट डोमेन कहलाया जा सकता है, और वो सबके सब डोमेन्स एक्ट एज टाइनी बार मैग्नेट व्हेन सच सब्सटेंस कैप्ट इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड, दीज डोमेन्स ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। अगर आपने किसी मैग्नेट का स्ट्रक्चर देखा हो 10th क्लास के अंदर, तो ये ओरिएंटेशन ऐसा चलता है, एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का, तीसरे का, और ये चीज़ इस तरह से ओरिएंट होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़बरदस्त तरह का फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये ओरिएंटेशन है उस मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
तो वो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है, जिसका डोमेन एकदम एक जैसा हैलेंगे, कभी नहीं हटता है। आप मैग्नेटिज्म उसका हटा भी लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हटा भी लोगे, तो बहुत समय तक मैग्नेट रहेगा, सारे सारे एक जगह अलाइन करेंगे। ये आपका हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। एक क्वेश्चन और भी आता है, विच इज मोस्ट बेटर परमानेंट मैग्नेट, तो उसके लिए भी यही आंसर है फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इसमें टॉपिक है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। देखो ये डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म आपने पढ़े हैं 11th क्लास में, जब आपने पढ़ी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात करते हैं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड है तो आपका पैरा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर बहुत कम है, कितने हैं यहाँ पे देखो, हमने मेंशन किया हुआ है 1 या 2। सर सब्सटेंस विच शो अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लो, एक सेकेंड, विच शो लेस कर देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक सेकेंड, लेस अट्रैक्शन, जगह कम पड़ गई, लेस अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, जो मैंने अभी बात कही थी। दे हैव वेरी लेस 1 or 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर टेम्परेरी मैग्नेट, कॉपर आयरन नहीं लिखा है, कॉपर आयन है, आयरन है, आयन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे लिखा हुआ आयरन कोबाल्ट, तो दीज आर मेटल्स बट दीज आर आयन्स, इसका आपको ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है, आयन की फॉर्म में है ये दोनों के दोनों। नाउ फेरोमैग्नेटिज्म, सच सब्सटेंस इन विच डोमेन्स आर अलाइन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, मतलब डोमेन्स तो हैं उसके पास पैरेलल भी हैं और उसके अगेंस्ट उल्टे भी हैं, लेकिन वो अनइक्वल हैं। एक तो क्या बराबर होते हैं ना, अगर बिल्कुल बराबर तो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, तो ये कहलाता है डाईमैग्नेटिज्म। पर यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है, कुछ ऊपर है एक नीचे, फिर कुछ ऊपर फिर एक नीचे, इस तरह से, तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, पर कुछ बच गए, कुछ बच गए, उससे आपका मैग्नेटिज्म हो रहा है। सो दे हैव वीक मैग्नेटिज्म और उनकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है, इस रूप में आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। अगर उनको हीट करेंगे, हीट करने में आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है, उनमें कुछ आयरन्स के या मैग्नेटाइट है, मैग्नीशियम मैग्नेटाइट है, निकल मैग्नेट भी हो सकता है, जिंक मैग्नेटाइट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका फेरा, पैरा और फेरी। सिर्फ इसमें रह गया डाईमैग्नेटिज्म, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नाउ वी हैव 12, 16, 13, 15 ग्रुप कंपाउंड। ये कोई सेमीकंडक्टर बारे में नहीं पूछ रहा है, ये तो कह रहा है कि कंपाउंड्स क्या हैं। तो यार वो कंपाउंड्स 12, 16 है, इसका मतलब 12, 16 के बीच में डोपिंग हुई हुई है, आपस में कंबाइन किया है। 13, 15 उसमें डोपिंग हुई हुई, क्या लिखा हमने, द 12, 16 ग्रुप कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय डोपिंग और कंबाइनिंग ग्रुप 12, 16। जिंक ग्रुप 12 का है, नीचे लिखा है जानबूझ के, सल्फर 16 का है, कैडमियम 12 का है, सल्फर 16 का है, ड्यू टू मोर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिंक और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो आयनिक है, ये हम जानते हैं 11th क्लास में, आप छोटे क्लास पढ़ के आ चुके हैं। जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा वो कोवेलेंट होंगे, फाजान रूल की बात होती है उसके अंदर, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा वो आयनिक होगा। और ये कई तरह के वेरियस अप्लायंस में काम में लिए जा सकते हैं, खूब सारे सेमीकंडक्टर रूप में। सेम थिंग भी 13, 15, वहाँ एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, गैलियम आर्सेनिक आ गया, ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपसे कोई भी ग्रुप पूछा जाए क्या है, 13, 14 पूछ लिया, 15, 14 कुछ भी पूछ लिया, तो आप सीधा ये लिखोगे कॉम्बिनेशन है डोपिंग का, जिसके अंदर एक ग्रुप 12 का, एक ग्रुप 16 का, या एक ग्रुप 13 का, 15 का, या 14, 15 पूछ लिया, मे बी एस कुछ भी, तो आप उसको अपने मन से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज पायरोइलेक्ट्रिसिटी, ये आपका टॉपिक केवल आरबीएससी वालों के अंदर मिलता है, सीबीएसई में इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं है। क्या है चीज़, पायरो एक ग्रीक वर्ड का नाम फायर, पायरोइलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिस्टल की जिसको आप जब गर्म ठंडा करोगे तो उस पर टेम्प्रेरी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं, जब किसी दो एंड की हम बात करें और दो एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस दो चीज़ का होता है बेटा, या तो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, एक तरफ हाई चार्ज होंगे तो दूसरी तरफ हाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, हाई पोटेंशियल टू लोअर, एवरीथिंग ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने टेम्प्रेरी जनरेट किया बाय हीटिंग एंड कूलिंग। तो वो सब्सटेंस जो ऐसी चीज़ दिखाते हैं वो है पायरोइलेक्ट्रिक, वो है लिथियम टैनेट, LiTaO3। लेकिन एक वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा है, इसका इस आंसर से कोई मतलब नहीं है, आपको इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिशन में कई बार आ जाता है। थर्मोइलेक्ट्रिक क्या है, या पायरोइलेक्ट्रिक थर्मोइलेक्ट्रिक अलग अलग वर्ड है। पायरोइलेक्ट्रिक टेम्प्रेरी पोटेंशियल डिफरेंस देता है, थर्मोइलेक्ट्रिक परमानेंट देते हैं, उनमें लगातार रहता है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू पायरोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए, हमने शॉर्ट्स कर लिए, वेरी शॉर्ट्स कर दिए, ऐसे कर लिए। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर मैं ले रहा हूँ वो आपका है सीबीएसई के 16 और राजस्थान बोर्ड के लिए 17 है, एवरीडे इन केमिस्ट्री, इन एवरीडे इन लाइफ के क्वेश्चन से सबसे पहले मैं ले रहा हूँ।
वो आप नेक्स्ट वीडियोस में।